गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। नाउ टुडेज़ वीडियो इज ऑल अबाउट दिस ह्यूज मिंत्रा हॉल। एक्चुअली इतने में भी ये कपड़े माएंगे नहीं, बट येस उससे पहले मूव ऑन करें। आई एम श्योर आपने ये वाला लुक नोटिस कर लिया होगा, विच इज सो नाइस, नीट एंड क्लीन। ऐसे लुक वैसे मैं करती नहीं हूँ विद सम रेट्रो वाइब। टुडे आई डिसाइडेड टू डू दिस वीडियो बिकॉज आई एम श्योर आपका भी मन करता होगा मुझे बंद पैक बालों में देखने का। सो या एंड यहाँ से उस मैंने थोड़ा सा कर्ल किया है, पीछे बाल बांध दिए हैं, दिस वॉज इट। एंड नाउ मूव ऑन करते हैं हम हॉल पे। सो बेसिकली एंड ऑफ रीजन सेल, दिस वॉज एक्चुअली ट्रू मीनिंग्स में बहुत बढ़िया वाली सेल थी। सेल चली गई है तो आपको पता है मेरा कोई यू नो कनेक्शन नहीं है उनके साथ में, आपको लेना हो आप लो, बट आई एम श्योर सबने मजे लिए होंगे बिकॉज डिस्काउंट्स इतने ज़्यादा बढ़िया थे। एंड इन केस कमिंग बैक टू माई लुक अगेन, इन केस यू आर वंडरिंग विच लिपस्टिक आई एम वेयरिंग बिकॉज आई नो बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, दिस इज फ्रॉम मामा अर्थ एंड इट्स दिस बुलेट लिपस्टिक, सो नाइस सो लवली। इस लुक के साथ में बहुत अच्छा लग रहा है। नाउ अगर मैं बात करूँ इस बार के मिंत्रा हॉल की ना, क्या स्पेशल होने वाला है इज दैट यू कैन एक्चुअली वेयर ऑल ऑफ द थिंग्स जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ना, दे आर सो लाइक यू नो प्रैक्टिकल टू वेयर। मतलब आपको कुछ कुछ हॉल्स वीडियो आई एम श्योर मेरे भी ऐसे होते होंगे जहाँ पे आप सोचते होंगे यार ऐसे को हम एवरी डे में स्टाइल नहीं कर सकते, बट इन दिस हॉल आई मेक श्योर कि सारी चीज़ें मैंने ऐसी ली हैं जो आपको एवरी डे में थोड़ा सा डिसेंट और थोड़ा सा बहुत अच्छा वाला लुक आई एम श्योर आपको दिख के लग गया होगा कि वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो बहुत यूजफुल होने वाला है एंड आई अर्ज यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज आई हैव अ स्मॉल सीक्रेट गिव अवे जो कि होने वाला है वीडियो में। सो यस सभी की डिटेल्स होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। लेट्स बिगिन विद दिस गंजी टॉप। बेसिकली आपको टैंक टॉप स्टाइल का ये मैंने टॉप लिया था, दिस इज फ्रॉम द ब्रांड अर्बैनिक, बट नाउ दैट अर्बैनिक इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन मिंत्रा एंड आई हैव टू से कि अर्बैनिक से खुद से बाय करना लाइक वेबसाइट से मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा टास्क नहीं था। मतलब इट्स अ टास्क, मतलब उनकी रिटर्न और ये सब में बहुत प्रॉब्लम होती है। सो आई प्रिफर ऑर्डरिंग इट फ्रॉम मिंत्रा, लेकिन वहाँ पे कलेक्शन तो ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, मतलब सारा अवेलेबल नहीं है ना, तो इसलिए तो दिस इज लाइलैक इन कलर और ये बेसिक चीज़ ना बहुत ज़्यादा काम आ जाती है लाइक दिस काइंड ऑफ टॉप्स। एंड मैंने इसको स्टाइल किया है यहाँ पे व्हाइट H&M की पैंट्स के साथ में और इस साथ में मैंने ये बैग लिया है जो कि है अगेन पर्पल एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन के साथ में। दिस इज फ्रॉम द आई डोंट रिमेंबर द ब्रांड, लेकिन मैंने इसको लिया था नायका फैशन से और ये था समवेयर अराउंड बिलो 400 रुपीज़, दैट्स फॉर श्योर। ये व्हाइट पैंट्स के साथ में ना मैंने ये सेसफराज का ये प्रिंटेड टॉप भी स्टाइल किया है जिसके साथ आपको टाई अराउंड कुछ ऐसा ऐसा मिलता है एंड 3-4 स्लीव्स हैं, अगेन वेरी शीक एंड समथिंग रियली नाइस आउट ऑफ द बॉक्स। एक्चुअली यू मतलब आपने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कुछ इस तरीके का स्टाइलिंग मैं लेने वाली हूँ, बट इट इज़ एक्चुअली वेरी नाइस ट्राइंग आउट दीज पीसेस। इसमें आपको लाइनिंग मिल जाती है, ऊपर का जो फैब्रिक है ना आई वुड से इट्स मिक्स ऑफ पॉलिएस्टर और जॉर्जेट आई वुड से, लेकिन अंदर कॉटन की लाइनिंग है सो इट फील्स नाइस ऑन द स्किन और फैब्रिक भी बहुत अच्छा लगा मुझे और कॉलर वगैरह है तो बड़ा स्मार्ट डिसेंट सा एक लुक आप क्रिएट कर सकते हो। आई ऑल्सो हैव दिस स्काई ब्लू कलर का टॉप, अगेन नॉट टैंक टॉप स्टाइल लेकिन थोड़ा सा अच्छी खासी कवरेज आपको मिल जाती है, द आर्म होल इज एक्चुअली वेरी स्मॉल एंड ये मैंने लिया है स्मॉल साइज में, एक्चुअली एक्स्ट्रा स्मॉल में। दिस इज कमिंग फ्रॉम द ब्रांड सेसफराज एंड अगेन यहाँ पे आपको कॉटन फैब्रिक मिलता है एंड यू हैव दिस ट्विस्टेड थिंग गोइंग ऑन अराउंड द वेस्ट सो दैट इट गिव्स यू नाइस स्ट्रक्चर टू योर बॉडी। और इस तरीके के टॉप्स ना आप एवरी डे में कैसे भी पहन सकते हो, लेयरिंग में भी काम आ जाएंगे, नॉट लेयरिंग में ऐसा बेसिक पीसेस आपको काम आ जाते हैं। इसको आप जीन्स के साथ पहनो किसी के साथ भी पहनो, अगेन अ कैजुअल लुक आई क्रिएटेड वेयरिंग दिस टॉप और इसको मैंने लिया था आई थिंक 323 रुपीज़ में, लेकिन ओरिजिनल इसका प्राइस है 899 रुपीज़ विच इज अ स्टील डील ऑफ कोर्स। सो मैंने इस टॉप को स्टाइल किया है सेसफराज की इस जीन्स के साथ में। आप सोच रहे हो सेसफराज का प्रमोशन चल रहा है, नहीं भाई क्योंकि इतनी सही डिस्काउंट पर ये यू नो मिल रही थी ना और इसका स्टाइल आप देख लो, मतलब यार फैन तो हो ही जाओगे है ना। यहाँ पे आपको स्लाइट यू नो हाई स्लिट कट मिलता है जिसमें आपकी लेंथ जो कि हाइट है वो और ज़्यादा एलोंगेट लगती है आपका बॉडी शेप एंड इसमें मैंने लिया है स्मॉल साइज। एक चीज़ आपको थोड़ा सा केयरफुली पिक करना पड़ेगा वो ये कि अगर आपके थाइस थोड़े से हैवी है ना देन यू माइट वांट टू गो लाइक यू नो साइज अप करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को भी थोड़ी सी मुश्किल हुई थी इसको चढ़ाने में, बट वंस इट वाज ऑन ना इट वाज वेरी नाइस और काफ़ी अच्छे से हाई राइज भी है ना तो मतलब अच्छे खासा जो बल्जेस वगैरह होते हैं ना उसको कवर कर लेती है, खुद के अंदर ले लेती है। एंड ऑल्सो इसका प्राइस वॉज द अमेजिंग आउटस्टैंडिंग आई वुड से, क्योंकि मैंने इसको लिया है सिर्फ और सिर्फ 873 रुपीज़ में, 100% कॉटन और बहुत अच्छा है फैब्रिक इसका। इस बढ़िया सी जीन्स के साथ में मैंने ये 209 रुपीज़ की मैंने ये टी शर्ट ली थी विच इज़ कमिंग फ्रॉम द ब्रांड एथर बाय मिंत्रा, ये एक्चुअली मिंत्रा का इन हाउस ब्रांड ही लग रहा है। स्मॉल साइज में मैंने इसको लिया है, टैग निकाल चुकी हूँ मैं इसका, आई एम कीपिंग इट। यहाँ पर लिखा हुआ है काइंडनेस विच काइंड ऑफ हाईलाइट्स, मतलब बहुत अच्छा लगता है। इस समय मैंने कुछ और भी टी शर्ट्स ली हैं आपको बताऊँगी, बट इसको मैंने स्टाइल किया कुछ इन करके और टी शर्ट की लेंथ भी काफ़ी अच्छी है, मतलब अगर आप इसको लोअर
अदरवाइज जीन्स पे भी जो पुराने स्टाइल में पहनना चाहते हो ना तो भी आप उसको अच्छे से पहन सकते हो. कॉटन फैब्रिक एंड शॉर्ट स्लीव्स आपको मिलती हैं, वेरी कंफर्टेबल टू वेयर एंड एवरी डे के लिए. आई थिंक दिस सच अ परफेक्ट पीस क्योंकि 200 rupees में यार क्या मिलता है, समोसे खा जाते हैं तो हम एक बार में. नाउ ये ऐसा पीस है जो मैंने अभी सेल पे नहीं मंगाया था, लेकिन अभी सेल पे आपको ये वाला मिल रहा था सिर्फ और सिर्फ 628 rupees में. ये वाली जीन्स जो कि है मतलब कुछ ऐसे पेपर बैग स्टाइल में, मतलब आपको पीछे आपको इलास्टिकेटेड बैंड मिलता है इसका एंड देन यू हैव दिस कट. और इसमें ना यहाँ पे आपको दाग भी दिख रहा होगा बिकॉज मैंने इसको पहना है, धोया है, फिर इतना पहना है कि इट इज़ सो कम्फर्टेबल कि मज़ा आ गया था. इसको मेरा उतारने का मन भी नहीं कर रहा था. आई विल शेयर अ रील में भी आई डिड, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि कहाँ से है ये जीन्स, मतलब मैं फोकस करूँ यार डांस पे जिसका वीडियो है और यहाँ पे तो बताने वाली हूँ मैं डिटेल्स. सो ये मैंने मंगाई थी स्मॉल साइज में एंड इट फिट्स मी सो नाइस. बैगी सा स्टाइल है सो इनकेस आपकी बल्जेस भी है ना वो भी बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे एंड आई सो वॉन्टेड टू टॉक अबाउट दिस. लेकिन मैंने इसको पहना नहीं है, स्टाइल नहीं किया है क्योंकि ये लायक ही नहीं रही, मतलब इसको धो के वापस मैं पहन लूंगी अच्छे से. बट दिस इज सो नाइस, आई एक्चुअली रियली एंजॉय वेयरिंग दिस. नेक्स्ट अप आई हैव वन मोर जीन्स विच इज फ्रॉम सेसफराज और इसको मैंने लिया है स्मॉल विच मीन्स 28 नंबर में. ऑल्सो इसका भी ब्लू कलर है, वॉश्ड है. डोंट गेट कन्फ्यूज कि मैंने सेम क्यों लिया है क्योंकि आई लिव इन दीज काइंड ऑफ जीन्स, क्योंकि वो दाग लगा हुआ था तब भी मैंने कहा दिखा लेती हूँ एक बार, बट देन आई वाज लाइक कि नहीं 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 अच्छा नहीं लगेगा. दीज आर सो कम्फर्टेबल कॉटन मटीरियल एंड ऑल्सो इसका प्राइस था ओरिजिनली 2000 rupees बट मैंने इसको लिया है सेल पे 699 rupees में, मतलब 700 rupees में आपको ये जीन्स मिली है जिसका फैब्रिक क्वालिटी एवरीथिंग इज सो नाइस. और सर मैंने कुछ चीज़ को भी स्टाइल किया है, लेट्स हैव अ लुक एट दैट. अब देखो मैंने इस जीन्स का ना बहुत बड़ा अच्छा खासा यूज निकाला है बाय वेयरिंग दिस काइंड ऑफ टॉप्स एंड नॉट जस्ट वेयरिंग, स्टाइल भी मैंने किया है बहुत अच्छा सा. सो दिस इज दिस टॉप इज फ्रॉम स्ट्रीट 9. मैंने इसको लिया है एक्स्ट्रा स्मॉल साइज में विच आई थिंक थोड़ा सा मुझे ना अराउंड वेस्ट जहाँ पे इसकी ये पैटर्न खत्म हो रहा है ना वहाँ पे आप देखोगे हल्का सा थोड़ा सा ना इसकी स्टिचिंग उधड़ गई है. आई एम नॉट सेइंग कि ये इसकी स्टिचिंग पुअर है, नो इट्स ऑफ अ रियली गुड क्वालिटी एंड यहाँ पे आपको फ्लोरल प्रिंट्स मिलते हैं और ये पफ स्लीव्स हैं जो कि यहाँ पे आपको इलास्टिकेटेड एंड भी मिलता है स्लीव्स पे. इट्स सो नाइस, मतलब हर जगह से अच्छा था बट हल्का सा जैसे मेरा पेट कभी कभी मैं अच्छी खासी सांस लेती हूँ ना तो ऐसे हल्का सा हो गया होगा. इसको मैं घर पे सिलाई करवा दूंगी कम वॉट में, मैं इसको रिटर्न नहीं करने वाली हूँ बिकॉज मैंने इसको लिया है 559 rupees में. इट्स सच अ नाइस टॉप कैजुअल वेयर के लिए भी और कभी कभी आप अच्छा हैवी ज्वेलरी के साथ में इसको एक्सरसाइज भी कर सकते हो, जीन्स के साथ में बड़ा अच्छा लग रहा था है ना. मेन आउट मेक द मोस्ट ऑफ दैट जीन्स मैंने यहाँ पे ये 239 rupees में ली हुई रोडस्टर की ये कॉटन टी शर्ट भी स्टाइल करी है. मैंने इसमें लिया है एक्स्ट्रा स्मॉल एक्चुअली और काफ़ी अच्छी खासी आपको देख सकते हो बहुत अच्छा फ्री टाइप का फैब्रिक है इसका एंड कॉटन मटेरियल है बहुत ही अमेजिंग. शॉर्ट स्लीव्स है, राउंड नेक है, व्हाट इज सो अमेजिंग इन कॉटन फैब्रिक. एक्चुअली बड़ा मज़ा आता है ना, यू नो स्वेट अब्सॉर्बेंट होता है सारी चीज़ें एंड इसको मैंने इन करके स्टाइल किया है. इसकी लेंथ भी आप देख सकते हो, इट्स अ वेरी नाइस लेंथ, मतलब आप कैसे भी इसको पहन सकते हो और इसका साइज भी मतलब खुला खुला है, वेरी ब्रीदेबल और बहुत अच्छा लगा मुझे इन करके भी, मतलब अच्छा लग रहा था ना. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम कैसे भूल गए, इट्स इज नेवर ऑन टाइम विच काइंड ऑफ सूट्स माई पर्सनैलिटी द बेस्ट वे, मतलब ऐसे ही इलैबोरेट कर सकते हैं हमें. अच्छा एक और चीज़ है जो मैंने स्टाइल करी है इसके साथ में, दिस इज मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ, द मिनिमलिस्ट ओके जो ब्रांड था बॉडी केयर स्किन केयर एनी वे. सो इस तरीके का ब्रांड है ये, मैंने इसमें लिया है एक्स्ट्रा स्मॉल एंड लुक एट द साइज, मतलब मुझे थोड़ा सा बैगी स्टाइल का कुछ चाहिए था एंड एक्स्ट्रा स्मॉल भी इतना बड़ा लग रहा है और आप इसकी भी लेंथ देख सकते हैं, इट्स अ वेरी नाइस गुड लेकिन वो मॉडस्ट लेंथ है इसकी, एक्चुअली बहुत ज़्यादा है एक्स्ट्रा स्मॉल के अकॉर्डिंग. कॉटन फैब्रिक है इसका और अगेन वेरी नाइस, उसका कलर मुझे थोड़ा सा रस्टी ब्रिक टाइप का शेड है, मुझे काफ़ी पसंद आया. एक्चुअली सी माई सेल्फ वेयरिंग इट फॉर ऑलमोस्ट ईयर्स एंड ईयर्स, 2-3 साल तो ठीक है क्योंकि इसका कॉटन बहुत मजबूत है, लाइक यू नो चौन ब्रश खा क्या है. एनी वेज 527 rupees इज वॉट आई पेड फॉर दिस एंड ओरिजिनल इसका प्राइस है 1600 rupees, अनरियलिस्टिक प्राइस लेकिन ठीक है, इट्स वेरी नाइस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इस रेट्रो लुक क्रिएट करने के लिए आपको क्या पहनने की जरूरत होती है, मतलब दिस इज समथिंग जो कि बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इस लुक को एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम द ब्रांड स्ट्रीट 9. मैंने इसको लिया है सिर्फ और सिर्फ 607 rupees में एंड यू कैन सी हाउ गॉर्जियस इट लुक्स, इट्स सो क्लासी एंड यू नो बहुत अच्छा शीक लुक आप क्रिएट कर सकते हैं इसके साथ में और वर्टिकल स्ट्राइप्स है जिससे आपकी बॉडी अगेन बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है एंड यू हैव दिस काइंड ऑफ फ्रिल डिटेलिंग गोइंग ऑन अराउंड द नेक, पीछे की होल मिलता है एंड यू हैव अ स्ट्रिंग एट द वेस्ट सो दैट इसका आप उसको पीछे से टाई करते हो, देन यू हैव सम काइंड ऑफ एलिमेंट ऑन द टॉप. लाइक मैंने इस टॉप को किस तरह स्टाइल किया है एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम द ब्रांड लिवाइस एंड इट्स देयर डार्क ब्लू वाइड लेग हाई राइज जीन्स, मतलब बहुत अच्छा खासा बल्जेस वगैरह को यू नो अगेन आई एम सेइंग क्योंकि हाई राइज जीन्स के साथ में ये आपको एक बेनिफिट जरूर मिल जाता है
और अभी इस सेल पे आपको पैसा भी कम देना पड़ रहा था. सो आई पिक्ड अप दिस जीन्स इन द साइज स्मॉल, यू कैन से 28 नंबर आई कैन सी. और इसका वाइड लेग जो स्टाइल है ना, वो अगेन आपकी लेंथ थोड़ी सी एड ऑन कर देता है. ऐसा लगता है ना, जब लंबी लंबी पैंट्स पहनते, जैसे अमिताभ बच्चन को देख लो, उनका स्टाइल तो लंबी टांगे होती, तो ऑटोमेटिकली उनकी हाइट भी अच्छी लगती है. यू कैन सी नेहा कक्कड़, अगर आप छोटे भी हो तब भी वेयर समथिंग हाई राइज, ऊपर शॉर्ट टॉप पहनोगे ना तब भी अच्छे लगोगे, ऊपर क्रॉप टॉप पहनोगे ना तब भी अच्छा लगोगे. टेक थ्री ओरिजिनल इसका प्राइस है 3500 रुपीज समवेयर, और मैंने इसको लिया है 2000 रुपीज में. देखो आप लोगों का नहीं पता, बट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस लुक, स्पेशली गिव यू डिटेल्स अबाउट दिस लिपस्टिक, बिकॉज आई एम इन लव विद दिस रेंज. आई एम टॉकिंग अबाउट द मामा अर्थ मॉइस्चर मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक. दे कम इन 9 ब्यूटिफुल शेड्स टू चूज फ्रॉम. एक्चुअली कन्फ्यूजन वहीं क्रिएट हो जाता है कि कौन सा ना ले. ऑल द शेड्स आर सो नाइस, एंड वॉट आई लाइक द मोस्ट अबाउट दिस रेंज इज इनका फॉर्मुलेशन. मतलब मैट फिनिश होने के बावजूद आप मतलब भूल जाओ कि ये स्मज भी होगी, और इतना नरिशिंग इफेक्ट देते हैं ना, बिकॉज इनमें एवोकाडो ऑयल है जो कि नरिशमेंट भी देता है और मॉइस्चराइज भी रखता है अप टू 8 आवर्स तक. एंड ऑल्सो इसमें विटामिन ई भी है जो कि पिगमेंटेशन के साथ में भी डील करने वाला है. स्टेज ऑन लिप्स फॉर अबाउट 12 लॉन्ग आवर्स विच इज ग्रेट. देखो इसमें ना 9 ब्यूटीफुल शेड्स आपको मिल जाते हैं, सो डेफिनेटली मेरे भी कुछ फेवरेट्स हैं फॉर डे टाइम एंड फॉर नाइट टाइम. आई एम गोना शो यू स्वॉचेस ऑफ दीज अप क्लोज, क्योंकि यू कैन सी द पिगमेंटेशन इज सो नाइस. कलर ओपेक मिल जाता है आपको एक ही स्वाइप में, एंड ऑल्सो इट्स ट्रांसफर प्रूफ. सो यहाँ पे डे टाइम के लिए आई हैव माय फेवरेट शेड विच इज कार्नेशन न्यूड, विच इज सो परफेक्ट. मतलब रेगुलर वेयर के लिए भी, ऑफिस वगैरह के लिए भी बहुत अमेजिंग है. एंड ऑन द अदर साइड पार्टीज और ग्लैम लुक के लिए यू हैव दिस ब्यूटिफुल शेड जो कि इतना अमेजिंग लगता है दैट इट मेक्स माई टीथ लुक ब्राइटर. दीज लिपस्टिक्स आर मेड अप नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स, इसमें कोई भी टॉक्सिन्स पैराबिन्स वगैरह नहीं है, एंड ऑल्सो मेड सेफ सर्टिफाइड एंड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड. एंड सिंस इट इज कमिंग फ्रॉम मामाअर्थ, वी नो दैट गुडनेस सिर्फ उनके प्रोडक्ट्स में नहीं है, उनके वैल्यूज में भी है, दैट दे स्टैंड फॉर. एवरी टाइम यू मेक एनी परचेज फ्रॉम मामाअर्थ, दे विल लिंक योर ऑर्डर टू अ ट्री दैट दे प्लांट, एंड बाय 2025 दे आर एमिंग टू प्लांट 1 million ट्रीज एज अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव. ऑल्सो उनका एंड्रॉइड और iOS के लिए ऐप भी लॉन्च हो गया है, जहाँ पे आपको सेल के अर्ली एक्सेस, कुछ और प्रोडक्ट्स पे अलग से ऑफर्स मिल जाएंगे. मैंने इनके लिंक दिए हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. एंड येस दीज लिपस्टिक्स आर अवेलेबल ऑन Amazon, Flipkart एंड ऑफ कोर्स मामाअर्थ पे मिलेगी ही. एंड व्हेनेवर यू चेक आउट एट मामाअर्थ ना, तो मेरा कूपन कोड विच इज सुपर 2022 जरूर यूज करना, बिकॉज इससे आपको एडिशनल फ्लैट 20% ऑफ मिलने वाला है. सो अमेजिंग, लव दिस शेड. लिवाइस की जीन्स के साथ में मैंने ये हरपा का 3/4 स्लीव्स के साथ में, उसमें वी नेक आपको मिलता है. इस तरीके का प्रिंटेड फ्लावर प्रिंटेड टॉप भी लिया है, और उसको इन करके पहनने में जो मजे आ रहे थे ना, मतलब मैं मेरा काम धाम छोड़ के, स्टूडियो छोड़ के मेरा जाता, मैं ऑफिस जाऊंगी, क्योंकि इट इज सच अ नाइस लुक. मतलब वो महंगा वाला लुक लग रहा है, समझ रहे हो, मतलब थोड़ा सस्ता टॉप, थोड़ी ज़्यादा महंगी जीन्स, एंड दैट कॉम्बिनेशन, ओ माई गॉड इट्स सो नाइस. एंड ऑफकोर्स बोथ द डार्क कलर्स कॉम्प्लीमेंट होगा, ऐसा लगता है ना कि वाइट ऑन डार्क लुक्स नाइस, बट ये भी कॉम्बिनेशन कम अच्छा नहीं था. बताओ क्या बोलते हो कॉमेंट से बताना. काफ़ी सारा फ्लोई सा पैटर्न था इसका, तो अब यू नो मेरा साइज ऑलमोस्ट 28 लोअर्स में होता है, बॉटम वेयर में होता है, एंड स्मॉल या एक्स्ट्रा स्मॉल वैसे होता है. मेरी फिजिक के अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको क्या साइज लेना चाहिए. अगर आप इसमें एक्स्ट्रा स्मॉल भी लोगे ना तो भी चलेगा. आई ऑल्सो हैव दिस, मतलब टॉप वेयर एक्चुअली नेवर एंडिंग है, क्योंकि यार 200-300 में तो मिलेंगे तो यार हर कोई खरीदेगा ही. तभी मैंने स्टार्टिंग में यूं कर लिया था ये. अच्छा ठीक है, यहाँ पे है मेरे पास ये ब्लैक कलर की डॉबी एक्स्ट्रा स्मॉल कुछ ऐसा करके शर्ट, शेयर ब्लैक शर्ट, बॉक्सी शर्ट है. इसका स्टाइल थोड़ा सा ऐसा बैगी सा लगेगा, बट ऐसा है नहीं इन जनरल, क्योंकि इफ़ यू टॉक अबाउट टी शर्ट्स ना, तो बड़ा फूला फूला आपको भारू सा लोग देते हैं, बट इट्स नॉट गोइंग टू हैपन इन दिस केस. मैंने इसके साथ में कुछ ऐसा ट्यूब टाइप का यू नो नेट का यू नो ब्रालेट जो है वो स्टाइल करी थी, और इसको और ज़्यादा फैंसी और थोड़ा मॉडर्न और अच्छा लुक देने के लिए मैंने इसके साथ में पेयर करा है अर्बैनिक से लिया हुआ, अर्बैनिक मिंत्रा से नहीं, अर्बैनिक से लिया हुआ ये वाला ग्रीन कलर का लेपर्ड प्रिंट यू नो स्कर्ट. अगेन दिस स्कर्ट हैज़ अ स्लिट, तो मतलब एक पार्टी वेयर लुक आप क्रिएट कर सकते हो. और गोल्डन एक्सेसरीज ऑफकोर्स, मतलब वो तो नीडलेस उसे आपको पता ही होगा कि क्या मैंडेट्स हैं क्या नहीं. एंड ये शर्ट भी 537 रुपीज़ इज व्हाट आई पेड फॉर दिस, और इसकी भी क्वालिटी वगैरह नॉट दैट बैड आई वुड से, इट्स अ डिसेंट परचेज. लेकिन टोटली डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे स्टाइल करते हो, कैसे महंगा लुक देते हो, वरना ऐसे पहन के चले जाओ, कोई पूछेगा भी नहीं कहाँ से ली, ऐसे लग तो रहा है अच्छा. आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस ड्रेस, जो कि आपको नायका फैशन पे भी मिल जाएगी, बिकॉज इट्स नॉट प्रमोशन, कि आपको मिंत्रा पे भी मिल जाएगी. मैंने ये मिंत्रा के अभी सेल से नहीं ली थी, बट आई पिक्ड अप क्वाइट बिफोर जब मैं दुबई के लिए निकल रही थी, और वहाँ पर मैंने ये ड्रेस पहनी भी थी. आई विल शेयर इट लाइक फुटेज हियर. मस्त सी बुर्ज खलीफा के आगे, मतलब बहुत महंगी रिच वाली फीलिंग आ रही थी. इट्स एक्चुअली वेरी नाइस ड्रेस आई वुड से. टियर ड्रेस है, स्ट्रैपी यू नो स्लीव्स आपको मिलती है, लाइक नॉट स्लीव्स तो है ही नहीं, स्ट्रैपी पैटर्न है कुछ, और पीछे आपको जिप मिलती है. मैंने इसमें लिया है एक्स्ट्रा स्मॉल साइज, विच काइंड ऑफ फिट्स मी अ लिटिल लाइक वेरी नाइस ऑन द बस्ट एरिया एंड नीचे भी,
लेकिन यहाँ पे आके तो मतलब वो ऐसा थोड़ा सा टाइट लगने लग जाता है कि यार कुछ है ही नहीं, ऐसा लग रहा है प्लास्टर पहना हुआ हो, तो वैसा लगता है अराउंड टमी एरिया, बट आई एम फाइन विद इट एज लॉन्ग एज इट लुक्स नाइस ऑन मी। और इसका यहाँ पे आपको बहुत सारे मल्टी लेयर्स आपको मिल जाएंगे एंड देन इट हैज़ अ स्लिट, वेरी ब्यूटीफुल एंड फ्लोरल प्रिंट्स ऑल ओवर दिस ड्रेस। इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आई लव दिस ड्रेस। दिस कमिंग फ्रॉम द ब्रांड 28 ड्रेसेस, दैट्स वाई इट्स अवेलेबल ऑन नायका फैशन ऑल्सो। मैंने इसको लिया है मिंत्रा से ही, और हाँ मैंने इसके लिए पिक किया था 1500 समथिंग, एंड आई थिंक इट्स वर्थ दैट मच क्योंकि इसका स्टाइल, फैब्रिक, क्वालिटी, फील ओवरऑल बहुत अमेजिंग है। ये भी सस्ती भी नहीं करी थी, इतनी ज़्यादा डिमांड में होगी मे बी ये ड्रेस, तो तभी भी योर एस सेल पर भी उतने की ही मिल रही थी ये ड्रेस, बट इट्स नाइस। मैंने ये सेरा का ना ये 3/4 स्लीव वाला ये लॉन्ग लाइन श्रग भी लिया है, जिसमें आपको प्रिंट्स मिलते हैं काफ़ी सारे, पर एक बस आप छोटा सा ब्रालेट डाल दो एंड देन यू वॉन्ट समथिंग टू कवर, दिस इज समथिंग रियली नाइस। और इसमें आपको स्लीव्स भी काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं। इसकी लेंथ की अगर मैं बात करूँ ना, तो थोड़ी छोटी होती तो ज़्यादा अच्छा लगता क्योंकि उससे आपकी लेग्स दिखती हैं, तो आपकी बॉडी भी मतलब एक अच्छा स्ट्रक्चर मिलता है आपकी बॉडी को, दिखने वाले को भी मज़ा आता है, मतलब मुझे ऐसा फील होता है, ठीक है। लेकिन ये भी अच्छा था, 537 रुपीज़ में आपको मिल रहा है अभी, और इसका ओरिजिनल प्राइस समवेयर अराउंड 1500, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप चेक कर लेना, मतलब कर ही सकते हो। MRP तो अभी भी करेक्ट आपको दिखाएंगे ही, सेल प्राइस मैंने आपको करेक्ट बताई दी। अब हम बात करते हैं डेनिम शॉर्ट्स पे, तो ये मैंने लिए हैं अर्बानिक से, नहीं अर्बानिक जो अवेलेबल है मिंत्रा पे वहाँ से, क्योंकि अर्बानिक की क्वालिटी इतनी गंदी है ना, आई कांट इवन टेल यू। मैंने लिटरली उनके साथ में ना चैट वगैरह करी हुई है, आई वॉन्ट टू शो यू गाइज, लेकिन मतलब सुनते ही नहीं है, दे लाइक लीस्ट बॉदर्ड। क्या कौन कौन सी मूवी का कैरेक्टर होता है जिसको कोई परवाह ही नहीं है, वो ऐसे पीछे बैठा रहता है, राजू श्रीवास्तव व्हाइल डूइंग कॉमेडी, कोई मतलब नहीं है उनको, कोई मतलब नहीं है, दे लाइक दैट, दे डोंट रिटर्न। मतलब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ उसके साथ में, कोई हो तो मुझे बताना क्या करना होता है रिटर्न के लिए, क्योंकि लेके ही नहीं जाते कपड़े, दो दो महीने हो गए भावा। तो मैंने ये लिया है, हार्ट प्रिंट्स हैं इस पे और कुछ इस तरीके का ही दिखता है। अगेन इसका ए लाइन फ्लेयर है, तो थोड़ा सा मतलब अच्छा सा लगेगा, ऐसा नहीं है, और उसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी है। मैंने इसको लिया था 745 रुपीज़ में एंड ओरिजिनली इट इज प्राइस एट रुपीज़ 1490। इट्स अ गुड बाय आई वुड से, और अच्छा खासा इसमें आपको ये एम्ब्रॉयडरी मिलता है, मैं पहले बोल नहीं पा रही थी, अभी मैंने अच्छे से डिस्क्रिप्शन पढ़ा है इसका, इट्स नाइस, मतलब मुझे इसका फिट भी बहुत अच्छा लगा। इस डेनिम शॉर्ट के साथ में मैंने ये अर्बानिक का लॉन्ग लाइन शेयर टॉप भी स्टाइल किया है, सो अपर हाफ इज ऑल सॉलिड ब्लैक इन कलर, 3/4 स्लीव्स हैं, पॉलिएस्टर है मटेरियल, अगेन इट कैन नॉट बी कॉटन, वरना ये मुझे नहीं लगता कैसा लगेगा ये कॉटन, थोड़ा सा क्या वॉश करती है ना, फिर थोड़ा सा लाइक अपना सा लगने लगता है, मतलब घर जैसा लगने लगता है, फिर यू कैन नॉट वेयर इट आउटसाइड। तो इस तरीके के फैब्रिक ना थोड़े से अच्छे लगते हैं, लाइक पॉलिश्ड एंड नाइस एंड क्लीन, सो कुछ इस तरीके का है। मैंने इसमें लिया है स्मॉल साइज एंड इट हैज़ अ शेयर डिटेल्स, यू नो नीचे जाके ए लाइन फ्लेयर है इसका, और मैंने इसको लिया है सिर्फ और सिर्फ 345 रुपीज़ में। सो दिस इज़ व्हाट दिस पीस लुक्स लाइक, मतलब ये शॉर्ट्स साथ में बहुत अच्छा लगेगा, पैंट्स के साथ में लाइक मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रही हूँ कैसा लगने वाला है, बट दिस इज़ नाइस, रियली नाइस, और बजट में भी था काफ़ी। आई रियलाइज बहुत सारी चीज़ें हैं बस ऐसे फराज की एंड दे आर एक्चुअली डूइंग गुड, मतलब दे कमिंग विद सो मेनी डिफरेंट स्टाइल्स, मतलब मानना चाहिए, एंड इट्स अ इंडियन ब्रांड तो अच्छा भी लगता है ऐसे बात करके। मैंने यहाँ पे लिया है ये वी नेक प्ले सूट, जो कि मैंने लिया है एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ में, आई कुड हैव चोजन स्मॉल साइज़ तो मुझे अच्छे से बैठता। यहाँ पे आपको ये अगर आपको क्लीवेज वगैरह शो फ्लॉन्ट करनी है, तो उसके साथ में आप ये बटन को अनहुक कर सकते हो, देन यू आर ऑल नाइस, मतलब बहुत अच्छा सा हॉट सा लुक आपको मिलेगा, बट आई एम नॉट कम्फर्टेबल दैट वे, सो आई पिक दिस अप। और ये ए लाइन फ्लेयर है इसका, 524 रुपीज़ इज़ व्हाट आई पेड, और मैंने इसको दुबई में भी स्टाइल किया था, अभी ये सेल पे भी ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे ही था, तो मतलब मैंने भी कुछ ऐसा नुकसान नहीं खाया, समझ रहे हो, अच्छा है। आई ऑल्सो हैव दिस बेरिलश की ऑफ शोल्डर इस तरीके के स्लीव्स के साथ में ये ड्रेस, एंड बेरिलश की अगर मैं बात करूँ तो इन जनरल इनके प्रोडक्ट्स जब से शीन वगैरह बंद हुआ था ना, तब से आई वाज सो इनटू दीज काइंड ऑफ ब्रांड्स, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है। स्मॉल साइज में मैंने इसमें लिया है, और इसका ये स्लीव का पैटर्न है ना बहुत अच्छा लगा, जब ये आया था ना तो मुझे लगा ये स्कर्ट आ गई, मतलब एवरीबडी इन माई स्टूडियो लाइक स्कर्ट है, बट मैंने मेरे को पता है मैंने क्या ऑर्डर किया है, सो दैट इज हाउ इट लुक्स लाइक, इट्स अ बॉडीकॉन शॉर्ट ड्रेस है एंड पॉलिएस्टर मटेरियल है, दिस इज प्राइस एट रुपीज 1699, बट आई एम श्योर मैंने इसको सेल पे काफी अच्छे डिस्काउंट्स पे ही लिया था। सो नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट, यू कैन एक्चुअली सी द टैग, मैंने बस उसको स्टाइल किया है बहुत तरीके से, और मैंने डिसाइड किया है दैट दिस एंड दिस आई एम प्लानिंग टू गिव अवे, सो वन ऑफ यू विल गेट दीज टू पीसेस टुगेदर, ये अर्बानिक का लॉन्ग लाइन टॉप, और ये ड्रेस भी कुछ कम नहीं है, डे टाइम लंच ब्रंच के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, सो वन ऑफ यू विल गेट दिस ड्रेस। अब आपको कैसे मिलेगी, देर आर सिंपल रूल्स जो आपको स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में भी होंगे, और मैं वर्बली भी बता ही देती हूँ, बिकॉज दिस इज वॉट माई जॉब इज ऑल अबाउट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी अ सब्सक्राइबर ऑफ माई चैनल, यू हैव टू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर, मतलब थर्ड पॉइंट है, आपको मुझे बताना है कॉमेंट्स में इस मिंत्रा हॉल में आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट पीस कौन सा था, ऑफकोर्स ये मत बता देना क्योंकि ये तो आपको मिलेगा ही, राइट ऑल बताना कि आपका और कौन सा फेवरेट पीस था,
एंड इसके साथ में ही दिस माय इंस्टा हैंडल फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, सो यू ऑल्सो हैव टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड कॉमेंट ऑन माई लेटेस्ट पोस्ट, टॉक अबाउट विच इज योर फेवरेट पीस फ्रॉम दिस हॉल एंड दैट्स अबाउट इट. एंड अगर मैं गिव अवे के विनर्स के अनाउंसमेंट की बात करूँ, सो दैट आई विल रिवील दैट आई विल डू ऑन माई बर्थडे विच इज 30th of June. सो टिल देन आपको सारे वीडियोज को अच्छे से वॉच करना है, कॉमेंट करना है, क्योंकि आई विल हैव फ्यू मोर गिव अवेज, सो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. अनाउंसमेंट विल हैपन ऑन बोथ द प्लेटफॉर्म, लाइक ऑन यूट्यूब कम्युनिटी एंड ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम, सो मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग मी ऑन बोथ. ऐसे नहीं कि डिटेल मिस हो गई और आपका नाम था. सी गाइस माय नेक्स्ट वन, टिल देन कृपया जाने की मुझे प्यार करिए, गिव अवे में भरपूर पार्टिसिपेट करिए. 30th June को मेरी बर्थडे के दिन अनाउंसमेंट का वेट करिए और गिव याद रखे दर आई लव यू ऑल सो मच.